Right side you have the demon statues and and Buddha statue. Buddha on the left side holding a snake. We call the churning the sea of milk. Oh, it's a story from India. ये आप सामने देख सकते हो द विष्णु स्टैचू दैट और देयर इज द फेस ऑफ विष्णु फोर साइडेड वेरी सो मैं कह रहा था कि दिस इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल. दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड 68 ईयर्स आफ्टर अंकोर वॉट, द ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट टेम्पल. और गेट पे आपने देखा ही देर वॉज अ ह्यूज स्टैचू ऑफ द फेस ऑफ विष्णु. और यहाँ पे मेन टेम्पल में भी, बायोन टेम्पल में भी यू कैन सी स्टैचू ऑफ बुद्धा. दिस इज नॉट द फेस ऑफ विष्णु, दिस इज द फेस ऑफ बुद्धा. प्रॉब्लम of traveling solo, you have to take your own photos. That's great. So what is that called? GoPro. A GoPro? Oh, GoPro. And you use it in conjunction with your phone? I can connect it to my phone, but usually I use it like this only. अंदर जा रहा हूँ टेम्पल के. वाव, पूरा टूटा फूटा है. अजीब सा जगह यार. More than 800 years old. This is the center courtyard, I think, of the temple. ये एक शिवलिंग जैसा दिख रहा है. यू सी दिस, दिस लुक्स लाइक अ शिवलिंग ना. सो बुद्धिस्ट टेम्पल बोल रहे बट देर आर शिवलिंग्स. ओह सम बैट्स हियर, आई थिंक आई कैन हियर चीची 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 ऑफ बैट्स. So this temple was almost ruined, but it has been restored with the help of Indian architecture team. ये देखो ये शिवलिंग जैसा लग रहा ना थोड़ा. Buddha. This is the other side of the other gate of the temple. यहाँ से व्यू थोड़ा अलग ही है. यू कैन सी फेस ऑफ बुद्धा ओवर देयर. एक शिवलिंग जैसा. Zooming in, you can see the face of Buddha
here as well, there.